आपके जीवन में अलग अलग समय पर आपके लिए अलग अलग चीजें मायने रख सकती हैं। और आज अमेरिका में टैटू हटाना बहुत बड़ा बिजनेस है, टैटू करवाने से ज्यादा बड़ा बिजनेस। क्या मैं आपको अपना टैटू से जुड़ा अनुभव सुनाऊं? अगर आप वाकई एक अच्छा टैटू बनवाना चाहते हैं। सदगुरु, मुझे टैटू बहुत पसंद है, मैंने बहुत से टैटू बनवाए हैं और मुझे यकीन है कि यहाँ कई लोगों ने बनवाए होंगे। तो जब मैं अपना पहला टैटू बनवा रही थी तब मेरे और मेरे माता पिता की राय बिल्कुल अलग थी। हमारे बीच काफी बहस हुई, वे बोले टैटू क्यों बनवाया। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या टैटू बनवाने से हम अनाड़ी लगते हैं या इससे बेढंगे दिखाई देते हैं? तो क्यों, इसके बारे में मतभेद क्यों है? सवाल ये है कि आपके जीवन में अलग अलग समय पर आपके लिए अलग अलग चीजें मायने रख सकती हैं। ऐसे मौके पर अगर आप पहले से परमानेंट टैटू बनवा चुके हों और आज अमेरिका में टैटू हटाना बहुत बड़ा बिजनेस है, टैटू करवाने से ज्यादा बड़ा बिजनेस, ठीक है, क्योंकि कॉलेज के दिनों में उन्हें प्रेम हो जाता है और वे आपका नाम अपनी पूरी बांह पे लिखवा लेते हैं और फिर प्रेम खत्म हो जाता है, फिर उसे हटाने के लिए आपको अपनी चमड़ी हटानी पड़ती है। तो शायद पूरे शरीर पर टैटू बनवाने से पहले किसी ऐसी चीज के लिए रुकना बेहतर होगा जो आपके लिए वाकई मायने रखे। अगर आप उसे अपने माथे पर बनवाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि वो चीज आपके लिए जीवन भर मायने रखे, क्योंकि अगर एक या दो साल बाद वो बदल जाती है तो आपको अपनी चमड़ी हटानी पड़ेगी। और साथ ही everything that you are need not be written on your face. अपनी हर बात अपने चेहरे पर लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप दुनिया में काम करना चाहते हैं, जब आप दुनिया में चीजें करना चाहते हैं, तो अपनी हर बात सबके सामने रख देना जरूरी नहीं है। आपने समझ होनी चाहिए कि किसे क्या बताना है ना? तो अगर आपका टैटू पहले से ही आपके बारे में, आपके सिद्धांत और बाकी हर चीज बता रहा है, तो आपके सामने आते ही हम आपके बारे में सब जान जाएंगे। अगर आप एक बहुत ही सरल जीवन जीना चाहते हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप जीवन में जटिल तरीकों से भागीदारी करना चाहते हैं तो ये बेहतर होगा कि लोग आपको कोई खास पहचान न दे पाएं। क्या मैं आपको अपना टैटू से जुड़ा अनुभव सुनाऊं? नहीं, मैंने बनवाए नहीं है। मेरा रंग टैटू बनवाने के लिए बहुत सांवला है, क्या करें। क्या सफेद टैटू होते हैं? ठीक है, हम जेलों में काम करते रहे हैं, भारत में और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी। इस आंदोलन का नाम है कैदियों के लिए भीतरी आजादी। ये दिल को छूने वाला आंदोलन है। तो जब मैं केंटकी जेल गया, इस जेल में कड़ी सुरक्षा होती है, वहां एक आदमी था जो टैटू का काम करता था, वो टैटू बनाता है। तो मैं वहां उन कैदियों के लिए 10 दिनों का कार्यक्रम कर रहा था, वे लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए। तब उन्होंने बताया, मैंने पूछा, इस जेल के अंदर आपने ये टैटू कहां से बनवाए? हर चीज की तलाशी ली जाती है, ठीक है, आपके शरीर के छेड़ भी, हर चीज, ताकि कुछ भी अंदर ना जाए। पर किसी तरह से ये इंसान सभी के लिए टैटू बनाता है, बहुत महंगे टैटू, ठीक है। और उसने मुझे अपने टैटू बनाने के सभी तरीके बताए। वो खाने के कांटे का थोड़ा हिस्सा तोड़कर उसे घिस घिस कर सुई बना लेता है। वो प्लास्टिक के टुकड़े बटोरता है, उसे थोड़ा सा प्लास्टिक मिल जाए तो पिघला कर अलग अलग रंग बना देता है। आपको कैदियों को देखना चाहिए, वे सिर से पांव तक टैटूज में होते हैं। इससे पता चलता है वे किस गैंग के हैं। मतलब ऐसा है कि एक खास तरह के टैटू का मतलब आप इस ग्रुप के हैं। वे जहां भी जाते हैं उनमें ये चीज तय है, किसी का ग्रुप पहचानने के लिए यही उनकी भाषा है। पता चलता है कि आप कितने बड़े गुनाहगार हैं, क्या आप वाकई बड़े अपराधी हैं या छोटे मोटे अपराधी हैं। उन सभी के शरीर का पूरा ऊपरी भाग हमेशा टैटू से रंगा होता है और ये इंसान टैटू बनाता है। और ये सभी लोग, उन्होंने खुद को इस इंसान का देनदार बनाया। जब वे जेल छोड़कर जाएंगे, अगर वे कभी जा पाए, तो उन्हें इस इंसान को हजारों डॉलर देने होंगे। वो इस चीज का खाता रखता है अपनी बांह पर लिखकर, अकाउंट्स। तो ये अद्भुत चीज थी। मैंने कहा, मुझे दिखाओ आप करते कैसे हैं। पर पहरेदार वहीं थे तो वो बोला, मैं दिखा नहीं सकता, पर उसने मुझे समझाया वो कैसे करता है। ये जबरदस्त प्रतिभा है, जेल के अंदर ही वो टैटू बना रहा है। अगर आप वाकई एक अच्छा टैटू बनवाना चाहते हैं तो केंटकी।